अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ डीपीएमएस। डीपीएमएस के हमने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास एक ट्रेडिशनल कंप्यूटराइज सिस्टम था जिसमें हम डेटा स्टोर करते थे इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, और उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमारा आज का टॉपिक। क्वेश्चन है, व्हाट इज डीपीएमएस? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द इंटर रिलेटेड डेटा। हमारे पास डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है ताकि हम डिफरेंट इंटर रिलेटेड डेटा को जो है वो एक्सेस कर सके, यानी आपका डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ हुआ होता है तो उस डेटाबेस में स्टोर हुए हुए डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वो होता है डीबीएमएस। डीबीएमएस कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर इंटरप्राइज, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। अच्छा जी, डीबीएमएस वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होता है, किसी भी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज से रिलेटेड जो है वो सारा का सारा डेटा स्टोर किया जाता है इसमें। उसके अलावा हमारे पास ये एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, यानी कि कंप्यूटराइज डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है। प्रोवाइड कन्वीनियंट इन्वायरमेंट टू द यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा होता है जिसमें जो है यूजर इजीली डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कौन कौन से जो है ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं? क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम डेटा को क्रिएट, अगर हम डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, यूजिंग डीबीएमएस हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाहते हैं, अपडेट या रिट्रीव करना चाहते हैं, यानी कि एक्सेस करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन को, तो वो हम कर सकते हैं थ्रू डीबीएमएस। उसके बाद जो है नेक्स्ट है टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस क्या होती है, कौन कौन सी, कहाँ कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशन क्या है बेसिकली डीबीएमएस की। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको यूज किया जा रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास है एयरलाइंस एंड रेलवे, ऑनलाइन डेटाबेस, डेटाबेसिस फॉर रिजर्वेशन एंड डिस्प्लेइंग द स्केड्यूल इन्फॉर्मेशन, यानी कि डेटाबेसिस बनी हुई होती हैं एयरप्लेन्स की या रेलवेज की, जहाँ पे आपका सारा रिजर्वेशन से रिलेटेड डेटा स्टोर किया जाता है, और उसको मैनेज करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं? डीबीएमएस को, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। उसके बाद बैंकिंग में भी इसको यूज किया जा रहा था, कस्टमर इंक्वायरी, अकाउंट्स, लोन्स वगैरह एंड अदर ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए। एजुकेशन फील्ड में भी इसको यूज करते हैं, कोर्स रजिस्ट्रेशन करवानी हो, रिजल्ट या अदर इन्फॉर्मेशन होती है एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी हम स्टोर करवा सकते हैं डेटाबेस में और उसको ऑपरेट करवा सकते हैं थ्रू डीबीएमएस। टेलीकम्युनिकेशंस की फील्ड में यूज होता है, टेलीफोन नंबर्स, रिकॉर्ड ऑफ कॉल्स मैनेज करना, जनरेटिंग मंथली बिल्स एक्सेट्रा, इस तरह के सारे कामों में टेलीकम्युनिकेशंस में, यानी कि हम इसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में यूज होता है, ई कॉमर्स, बिजनेस एक्टिविटीज सच एस ऑनलाइन शॉपिंग, बुकिंग ऑफ हॉलीडे पैकेज, कंसल्टिंग अ डॉक्टर एक्सेट्रा, ये सारे टास्क, यानी जो आपका ऑनलाइन काम हो रहा होता है बेसिकली, वो वहां पे भी हम डीबीएमएस को यूज कर सकते हैं, दैट इज ई कॉमर्स। और उसके अलावा लास्ट वन है ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन यूज डेटाबेस फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एम्प्लॉइज, सैलरीज, बेनिफिट, टैक्सेस एंड फॉर जनरेटिंग सैलरी चेक्स। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस यूज करती हैं ताकि वो अपने डेटा को स्टोर करवा सकें। अब ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का डेटा स्टोर करवा सकती हैं? जैसे कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करवाएगी, अगर कॉलेजेस हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स का या अपने स्टाफ का डेटा स्टोर करवाएंगे। इस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डीबीएमएस को यूज किया जाता है। ये थी डिफरेंट एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो है वो है डेटाबेस। डीबीएमएस को डिस्कस किया था, उसके एप्लीकेशन को डिस्कस किया, अब जो नेक्स्ट है वो है डेटाबेस। क्या होता है डेटाबेस? इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंड सिमिलर डेटा, जहां पे आपका इंटर रिलेटेड या सिमिलर एक जैसा डेटा जो है एक जगह पे स्टोर किया जाए तो उस जगह को, उस चीज को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सो दैट इट कैन इजिली बी एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा का, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कह लें या डेटा कह लें कि वो एक दूसरे से रिलेट कर रही होती है, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हम उसको इजीली एक्सेस कर सकें, यानी जब हमें डेटा चाहिए हो हम उसे इजीली एक्सेस कर लें, हम उसको मैनेज कर सकें, या अगर हमें उसको अपडेट करने की भी जरूरत पड़े तो हम डेटाबेस के अंदर अपने डेटा को अपडेट कर सकें, तो यानी कि एक्सेस, मैनेज या अपडेट इजीली कर सकें थ्रू डेटाबेस।
फॉर एग्जाम्पल अब डेटाबेस की एग्जाम्पल है, कौन कौन सी यानी कि किस फॉर्म को हम कह सकते हैं कि इट्स अ डेटाबेस। डिक्शनरी, डिक्शनरी में आपका सारा डेटा स्टोर हुआ होता है, इट्स अ डेटाबेस। एयरलाइन डेटाबेस, वहाँ पे क्या कहते हैं फ्लाइट से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड जितनी भी जो है क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन होगी वो स्टोर होगी, तो वो एयरलाइन डेटाबेस बन जाएगी। स्टूडेंट डेटाबेस में यानी आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का जितना भी डेटा होता है आपका एड्रेस, नेम, रोल नंबर, मार्क्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट डेटाबेस में स्टोर होती हैं। लाइब्रेरी में लाइब्रेरी से रिलेटेड डेटा होता है, बुक से रिलेटेड होता है, जो लोग बुक इशू करवा रहे हैं उससे रिलेटेड डेटा होता है, तो उसकी एक डेटाबेस बन जाती है लाइब्रेरी से रिलेटेड। इसी तरह रेलवेज की या फिर यूट्यूब की भी डेटाबेसेस होती हैं जो कि अपने अंदर एक लॉजिकली रिलेटेड डेटा को जो है वो स्टोर करवा रही होती है। तो ये था डेटाबेस। एग्जाम्पल दीजिए यूनिवर्सिटी के डेटाबेसेस के लिए। यूनिवर्सिटी डेटाबेस फॉर मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग स्टूडेंट्स कोर्स ग्रेड इन अ यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट। अब वो बता रहा है कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल में आपको पता है स्टूडेंट्स भी होंगे, कोर्स जो स्टूडेंट रखते हैं उनके ग्रेड्स क्या आ रहे हैं, तो उससे वो ये सारा ये क्या कहते हैं डेटा या सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या बन जाएगी हमारे पास एक डेटाबेस बन जाएगी। स्टूडेंट फाइल स्टोर डेटा ऑन ईच स्टूडेंट, कोर्स फाइल स्टोर डेटा ऑन ईच कोर्स। स्टूडेंट फाइल है ऑब्वियसली स्टूडेंट का डेटा मैनेज करेगी। कोर्स फाइल है जितने भी कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं उनका डेटा जो है वो कोर्स फाइल में स्टोर होगा। सेक्शन फाइल जो है हर कोर्स का कौन कौन सा सेक्शन है उसको मैनेज करेगी। ग्रेड रिपोर्ट जो स्टूडेंट्स के क्या ग्रेड्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स वो ले रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है वो ग्रेड रिपोर्ट में। और ये सारी चीजें मिलकर हमारे पास क्या बन जाएगी, एक पूरी डेटाबेस बनेगी जो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद हमारे पास डेटाबेसेस की टाइप्स आ जाती हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं, दो तरह की होती हैं, टू टाइप्स हैं, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। तो हम बेसिकली किसको डिस्कस करते हैं, ज्यादातर जो हम यूज कर रहे हैं वो होती है रिलेशनल डेटाबेस होती है हमारे पास। रिलेशनल डेटाबेस क्यों होती है, हम इसको रिलेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेबल्स की फॉर्म में बनती है। अब डेटाबेस में हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट या बेसिक ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो हमारे पास टेबल्स हैं। टेबल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास ये कुछ गिवन है। टेबल हमारे पास क्या है, इट ऑर्गेनाइजेस इन्फॉर्मेशन इन टू रोज एंड कॉलम्स, इट कैन बी यूज टू बोथ स्टोर एंड डिस्प्ले डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। टेबल्स में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, हमारे पास ग्रिड बना होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, यानी कि आप रोज और कॉलम्स बनाते हैं तो वो पूरा मिलकर एक टेबल बनता है, उसमें आप अपने डेटा को स्टोर करवाते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। अच्छा जी, टेबल में जो रोज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। रो या रिकॉर्ड क्या होती है, बेसिकली इट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, यानी कि आपकी जो फील्ड्स हैं रैंडम जो फील्ड्स हैं उनको कलेक्ट करें, तो उस फील्ड में आपने जो भी डेटा एंटर किया वो पूरी की पूरी सारी फील्ड्स का डेटा मिलाकर आपकी एक रो या रिकॉर्ड बनेगा। कॉलम या फील्ड, कॉलम्स को फील्ड भी कहते हैं, क्या होते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड करेक्टर्स, कुछ रिलेटेड करेक्टर्स, जो अगर हम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड करेक्टर्स लें तो वो मिलकर एक कॉलम बनाता है या फील्ड बनाती है। एग्जाम्पल इसकी मैं आपको यहीं पे दे देती हूँ कि कॉलम या फील्ड क्या होगी, स्टार्ट से शुरू करते हैं बल्कि टेबल। टेबल हमने फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल बनाती हूँ, तो टेबल हमने लिया स्टूडेंट के नेम से, स्टूडेंट टेबल बना रही हूँ। उसके बाद फील्ड या कॉलम जिन्हें कह रहे हैं, सबसे पहले हम टेबल में कॉलम्स के नेम स्पेसिफाई करेंगे कि क्या क्या है। अब स्टूडेंट के क्या क्या कॉलम के नेम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, रोल नंबर और नेम हो सकता है बिल्कुल, और उसके अलावा क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आपके फादर नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है। अब ये सारी क्या है चीजें, फील्ड है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट्स, ये कॉलम्स हैं या फील्ड्स हैं। और जब आप इन सारी फील्ड्स के अंदर डेटा रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, रो या रिकॉर्ड। एग्जांपल के तौर पे रोल नंबर में मैं डेटा एंटर करती हूँ 1, नेम बच्ची का इकरा, उसके बाद फादर नेम अली। अब ये देखिए ये पूरी एक मेरी लाइन बनती जा रही है, 1 रोल नंबर, फिर इकरा, और फिर उसके बाद फादर नेम अली। तो ये सारी के सारी जो पूरी एक रो बनेगी ये मेरे पास क्या कहलाएगी, रो या रिकॉर्ड कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम।
वर्सेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, अब यहाँ पे डिफरेंस हम डिस्कस कर रहे हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या था और उसके क्या कहते हैं मुकाबले में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट स्टोर एंड मैनेज फाइल्स इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क। ऑन द अदर हैंड अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल्स टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या थी, डिफरेंट प्रोग्राम्स की कलेक्शन थी जो कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क पे फाइल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करवाते थे और उस पे डेटा को मैनेज करते थे। हार्ड ड्राइव पे हमारा डेटा स्टोर होता था इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, जबकि दूसरे तरफ अगर हम डेटाबेस को देखें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, तो क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, जाहिर सी बात है ये भी एक सॉफ्टवेयर है दैट इनेबल्स टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। ये वो सॉफ्टवेयर है जो खुद ही डेटाबेस क्रिएट भी करता है और उसको मेंटेन भी रखता है। तो ये था हमारे पास डिफरेंस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का और डीबीएमएस का। सेकंड डिफरेंस क्या है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज मोर डेटा रिडंडेंसी, लेस डेटा रिडंडेंसी इन डीबीएमएस। हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने ड्रॉबैक्स पढ़े थे, तो ये उससे रिलेट करते होंगे सारे पॉइंट। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के डुप्लीकेशन ऑफ डेटा ज्यादा होती है जबकि डीबीएमएस में कम होगी। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोवाइड्स लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सेसिंग डेटा, वेयर एज डीबीएमएस हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सेसिंग डेटा। आपकी फाइल्स में डेटा बहुत ज्यादा एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं पड़ा होता था, इतना फ्लेक्सिबल नहीं था कि हम इजीली एक्सेस कर सकें, जबकि डेटाबेसिस में जो डेटा पड़ा हुआ होता है उनको एक्सेस करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए ये ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड डेटा कंसिस्टेंसी, ये भी हमने पढ़ा था कि डेटा कंसिस्टेंट नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता, जबकि डीबीएमएस में डेटा कंसिस्टेंट होता है। किस तरह से होता है, थ्रू नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है ये हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर पता चलेगा। उसके बाद फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज लेस कम्प्लेक्स, डीबीएमएस इज मोर कम्प्लेक्स। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थोड़ा सिंपल सा एक ट्रेडिशनल मेथड था तो वो ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं था, जबकि डीबीएमएस जो है वो ज्यादा कम्प्लेक्स है क्योंकि ज्यादा एडवांस जो है हमारे पास सिस्टम है ये। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फैन चेंज टू द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल में रिक्वायर्ड चेंजिंग ऑल द प्रोग्राम्स। अच्छा, इसको मैं शॉर्ट बता देती हूँ कि क्या है, डेटा डिपेंडेंसी की बात हो रही है, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी की। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने एक ड्रॉबैक पढ़ा था कि अगर आप अपने फाइल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में जरा सा भी चेंज लेकर आए तो आपको अपना प्रोग्राम, यानी कि जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो आपका एक सॉफ्टवेयर है, आपको उसका प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फाइल के फॉर्मेट में चेंज किया, स्ट्रक्चर में चेंज किया है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम भी चेंज होगा। तो ये थी हमारे पास क्या, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में थी। लेकिन हमारे पास डीबीएमएस में आपकी जो डेटा फाइल्स हैं वो अलग से स्टोर होती हैं और आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो अलग से होते हैं। तो अगर आप अपने डेटा में किसी किस्म का कोई चेंज लाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके प्रोग्राम पर नहीं पड़ता या आपको अपने प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपकी डीबीएमएस में क्या है, प्रोग्राम डेटा इनडिपेंडेंसी, यानी कि डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे बल्कि इनडिपेंडेंट है। अगर आप एक चीज में चेंज करते हैं तो उसका असर दूसरी चीज पर नहीं पड़ता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डीबीएमएस डेटाबेस और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आप लोगों ने बच्चों बुक से याद करना है, अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो आप लोग मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।